आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी ग्रामीण अंचल के लोग आज भी विकास से कोसों दूर हैं और इसके लिए ये वो राजनैतिक जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधान को दोषी मानते हैं। ग्रामीणों की जुबानी माने तो वो आज भी नाली सड़क के लिए तरसते हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग गांव से बाजार तक बरसात काल में नहीं पहुँच पाते। ग्रामीणों का कहना है वो लगातार जनप्रतिनिधियों की चौखट पर गुहार लगाते रहे लेकिन उनके गाँव में सड़क नाली का निर्माण नहीं हो सका। हम बात कर रहे हैं अररिया जिले के विकासखंड बिधुना की ग्राम पंचायत महू के मजरा राठौरी की, जहां के ग्रामीण विकास को लेकर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। गांव का आलम यह है कि कच्ची गलियां गंदगी युक्त पानी बहाती हैं। बताते चलें, गांव के कस्बा बेला तक बाजार करने के लिए लोग तरसते हैं, वहीं छोटे बच्चे का भी गलियों से गुजर दुश्वार है। इतना ही नहीं, ग्रामीण की जुबानी माने तो आकस्मिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा भी गांव तक पहुंचने की स्थिति में नहीं रहती। गांवों के हालातों की तस्वीर बताती है कि जनप्रतिनिधियों ने विकास के ढेरों वायदे किए लेकिन आज तक गांव के गरीब तक विकास की किरण नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की जुबानी बताती है कि जनप्रतिनिधि की चौखट तक विकास को लेकर कई बार गए लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा। गांव के गरीब किसानों को इस बात का मलाल है कि विकास की बात करके वोट पाने वाले आखिर उनकी क्यों नहीं सुनते। ग्राम राठौरी निवासी रविंद्र कुमार, संतोष कुमार आदि लोग जब विकास रोना रो रहे थे तो उसी दौरान वृद्ध महिला प्रेमवती भी वहां गई। उन्हें लगा शायद बुढ़ापे की पेंशन बनाने के लिए लोग एकत्रित हुए लेकिन यहाँ महिला ने जब आप बीती बताई तो सभी सन रह गए। बातचीत के दौरान महिला बोली कि कई बार उससे पेंशन के नाम पर धन उगाही की गई किंतु पेंशन तक नहीं बन सकी। ग्रामीणों की जुबानी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण जनता किस तरीके से वंचित है, विकासखंड बिधुना के ग्राम राठौरी की जमीनी हकीकत साफ तौर पर बयान कर रही है। यहाँ गांव में बहुत बड़ी परेशानी है, सभी रास्ता कच्चे हैं, जरा सा पानी बरस जाने पर ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, कोई जच्चा बच्चा का कार्य हो तो बहुत दिक्कत होती है, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह आना चाहे तो उसको भी बहुत परेशानी होती है, कोई बारिश हो जाती है तो बिना रास्ता बंद हो जाती है, आने जाने को बहुत दिक्कत होती है। लगभग दो माह तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पानी छाती से भर जाता है। यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है और कोई किसी सांसद के पास जाते वो भी नहीं सुनते हैं। सबके पास तीन चार बार गया ट्रैक्टर लेकर, सब लोग गए 20-25 लोग, फिर भी नहीं सुना है। बहुत कीचड़ है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है बरसात में, और वहाँ पर मेला जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर तो कोई कुछ आ नहीं पाता, वाहन ना जा पाता है, पैदल जाने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे पढ़ाई लिखाई सब बेकार है यहाँ पर, और कोई एम्बुलेंस बीमार हो जाए वो भी नहीं आ पाएगी। यहाँ पर निकलने में बहुत पानी भर जाता है, वहाँ पर पुलिया भदौरा के लिए जाते जब सोचते आए कि हमारे देखो रास्ता बनावो जा, लड़का देने नन्हे हमारे पढ़न जा तो मामा डूबिया में मामे अनाब गढ़ जाए, गाड़ी घोड़ा आवाए आराज बरात आवाए तो कहाँ बसाए कहाँ का कराए, बहुत परेशानी है। निकल नहीं पास प्रधान लोग चाहे कुछ करा, हम देख और लड़ रहे हैं, हमारी कमों पिल्सन नहीं बनाई हो, पैसा ले ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।